Hello students, welcome you all real online classes. और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड. और इसको शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चलिए टाइम बिना वेस्ट करे हुए हम टॉपिक को देखते हैं, कौन सा टॉपिक है. तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली ध्यान रखना क्या बोला जा रहा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस. नहीं आई बात समझ में? क्या है हमारा टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस. जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग आ गया तो मैं पहले से बता दूं, हाँ हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टर. इंसुलेटर की बात नहीं कर रहे हम, कंडक्टर की बात कर रहे हैं. फिर अगर कंडक्टर पर आ जाए तो कंडक्टर पर क्या होता है, जितना भी चार्ज होता है वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है बेटा. चलिए हम रिंग बनाता है. हमने एक रिंग बनाई. अब कहोगे सर ये कैसी रिंग है, ठीक है ना, ये कैसी रिंग है. तो अब मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल नहीं है. चलिए जैसे अगर हम कोई रिंग होती है तो इस तरीके से गोल होती है, ठीक है बेटा. अगर ऐसे देखेंगे तो हमें गोल देखेगी इस तरीके से, है ना. गोल का मतलब है सर्कुलर दिखेगी. लेकिन उसको अगर हम थोड़ा तिरछा होकर देखेंगे तो कुछ इस तरीके की शेप दिखेगी हमें. है वो रिंग तो सर्कुलर ही है, रिंग सर्कुलर ही होती है, लेकिन इस तरीके से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है बेटा. तो ये तो हो गई रिंग आपकी. चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहां पर है जरा देखते हैं. एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस पर निकालनी है. कहां पर निकालनी है? एक्सिस मतलब सेंटर से जो लाइन जाएगी, ठीक है ना, सेंटर से जो लाइन. अगर ये सर्किल है तो ऐसे करके जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन जाएगी इस तरीके से देखा जाएगा, ये जो लाइन जाएगी इसको एक्सिस बोलेंगे ना, इस पर निकालेंगे. हमने मान लिया हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है. कैसी चार्ज है हमारी? पॉजिटिवली, यूनिफॉर्मली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है बेटा. कैसी चार्ज है हमारे पास? यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज हमने क्यों लिया है? अब हम लेंगे जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज लेंगे. पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन लेंगे तो अवे फ्रॉम द चार्ज लेंगे. तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ध्यान से देखते जाइए. फिर से मैं कहूंगा आपसे, जिस भी डेरिवेशन में एक्सप्लेनेशन में अगर डायग्राम इन्वॉल्व है, क्या अगर उसमें डायग्राम इन्वॉल्व है तो आप डायग्राम को काफी अच्छे से समझिए. डायग्राम को समझने के बाद आधा काम आपका हो जाता है. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन द डायग्राम. ये रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है बेटा. और इसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं रिंग का. हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया रिंग का, ये DL है. इस पूरी रिंग की जो लेंथ है वो L है, है ना. लेंथ ऑफ द रिंग कितनी है आपकी? लेंथ ऑफ द रिंग कितनी है आपकी? L, ठीक है बेटा. इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो A है. रेडियस ऑफ द रिंग क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग कितना है? ए. इसका जो सेंटर है ओ, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पी है, उसके बीच की डिस्टेंस है आर. तो ओ पी हमें कितना दे रखा है? ओ पी यानी सेंटर से पी पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस आर हो गई. इस पॉइंट पर हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. हमने क्या कहा? हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया DL. अगर स्मॉल एलिमेंट लिया है DL तो इस DL एलिमेंट में चार्ज भी स्मॉल होगा. नहीं आई बात समझ में? तो हम निकालते हैं, ध्यान से देखना, चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL कितना होगा? DQ होगा. कितना होगा? DQ. लेकिन DQ बराबर किसके होगा? मैं साइड में रफ पे सॉल्व कर देता हूं, फिर यहां पे लिख दूंगा. जैसे L लेंथ है, ठीक है ना,
एल लेंथ पे चार्ज मान लीजिए क्यू है, मान लीजिए कि इस पूरी लेंथ पे जो चार्ज है क्यू है, टोटल चार्ज दे रखा है इस पे क्यू, हमने जब इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया तो इसका टोटल चार्ज है क्यू। जब एल लेंथ पे चार्ज क्यू है तो डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, डीएल लेंथ पे चार्ज हो जाएगा क्यू ओवर एल इंटू डीएल, नहीं आएगा समय, तो ये कितना चार्ज होगा, ये डी क्यू चार्ज होगा, डी क्यू बराबर आ जाएगा क्यू ओवर एल डी एल, नहीं आई बात समझ में, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करा कि हमने एक छोटा सा जो एलिमेंट लिया था उसका हमने चार्ज भी निकाल लिया कि उस पर तो चार्ज होगा कितना, तो डी एल बराबर कितना आ गया क्यू ओवर एल डी एल, ये डी क्यू आ गया स्मॉल चार्ज, नहीं आई बात समझ, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है, आराम से इसको समझिएगा बेटा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे डीएल से हमने इस पी पॉइंट को मिला दिया, ठीक है बेटा, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। कैसा चार्ज है डीएल पर, पॉजिटिव चार्ज है, डीएल एलिमेंट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी कि नहीं होगी, तो यहां पर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो अवे फ्रॉम द स्मॉल एलिमेंट से ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल बनेगी, ये हो गई आपकी डी ई, नहीं आई बात समझ में बेटा, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन से अवे हो जाएगी, ठीक है ना, तो हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस एलिमेंट को उस पॉइंट से ज्वाइन किया, उसी डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, क्या है, ये एंगल थीटा है। अब इसके दो कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल भी थीटा होगा जो कि डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक बेटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इधर लिख लेता हूं मैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो डी ई साइन थीटा होगा, नहीं आई बात समझ में, एक कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा हो गया, एक कंपोनेंट डी ई साइन थीटा हो गया। अब मान लो इस बात को ध्यान से सुनना, अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, अगर यहां पर भी एक एलिमेंट मान लेते सेम डीएल, बिल्कुल इसके अपोजिट, ध्यान रखना डीएल के अपोजिट बिल्कुल एक और एलिमेंट मानते डीएल, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है, तो ये अगर अपोजिट डायरेक्शन मान रहे हैं तो इस ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता डीई, बिल्कुल अपोजिट मान रहे हैं तो ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी, तो इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो इसी डायरेक्शन में होता और एक इस डायरेक्शन में होता, इसी डायरेक्शन में वही कंपोनेंट होता डी ई कॉस थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होता डी ई साइन थीटा, नहीं होता बेटा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा होता इसका भी और इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा। अब आप क्या देख रहे हो, ये डी ई साइन थीटा और ये डी ई साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नहीं करेंगे, दोनों बिल्कुल इक्वल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, तो डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, तो फ्रॉम द अबव डायग्राम हमने क्या देखा, अब इसी तरीके से कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, इसी तरीके कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं, यहां पर एक एलिमेंट लेते हैं इसके अपोजिट एक और एलिमेंट लेंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हर एलिमेंट का एक दूसरे को कैंसिल करता चला जाएगा, तो जितने भी हम एलिमेंट लेंगे उन सबका जो डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो सारा का सारा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नहीं आई बस, जैसे इन दोनों के लिए अगर मैंने यहां पर एक एलिमेंट लेता और यहां पर लेता उनका भी डी ई साइन थीटा कैंसिल कर देता, इसी तरीके से सबका जो डी ई साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अगर आगे देखते हैं आप इसको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर होगी क्या, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो होगी क्या, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो वो किसके बराबर होगी, सिग्मा डी ई साइन थीटा प्लस सिग्मा डी ई कॉस थीटा, ठीक है बेटा, और इसका स्क्वायर और इसका अंडर जो भी साइन थीटा आता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, जो भी साइन थीटा का कंपोनेंट आता वो, जो भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें पता है बट डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, क्योंकि डी ई साइन थीटा तो सब में एक दूसरे में कैंसिल हो गया बेटा, तो डी ई साइन थीटा तो जीरो हो गया, तो ई इक्वल्स टू क्या बचा हमारा, ई इक्वल्स टू बचा, अगर आप देखेंगे तो केवल बचा डी ई
कॉस थीटा। नहीं आई बात समझ में? क्या बचा आपका? डीई कॉस थीटा। इतनी बात समझ में? अब आगे सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। पॉज करके इसको आप उतार लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पता चल गई, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है ना, ये पॉइंट पी था और इस डायरेक्शन में अगर एक पॉइंट में एक्स मान लो, ठीक है ना, एक्स मान लेते हैं उसको, ये पॉइंट, तो ई बराबर हमारा क्या आ गया, ई इक्वल्स टू आ गया सिग्मा डी ई कॉस थीटा, ठीक है ना। अलोंग क्लियरली दिख रहा है किसके, इसकी जो डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, यानी पी एक्स, अलोंग पी एक्स। नहीं आई बात समझ में? अलोंग क्या हो गया, पी एक्स हो गया। अब बस सॉल्व करना है, देखेंगे डीई क्या होता है। जरा देखें डीई बराबर क्या आएगा, इस डीई को अगर मैं देखूं तो क्या, अगर देखते हैं क्या आएगा, डीई इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा डी क्यू। डी क्यू क्यों आया बेटा, क्योंकि ये हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो स्मॉल एलिमेंट के स्मॉल चार्ज से निकाले, तो डी क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, यानी ए पी, ए पी स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? ये डी ई की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब एक एक करके सबकी वैल्यू ले लेते हैं। हवा हमें पता है, अभी निकाल चुके हैं हम, डी क्यू किसके बराबर आ रहा था, डी क्यू बराबर आ रहा था क्यू ओवर एल डी एल, ठीक है बेटा। डी क्यू हमने पहले ही निकाल लिया था, डी क्यू बराबर आ रहा था क्यू ओवर एल डी एल। दूसरा बचता है ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखेंगे, ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस निकालना, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये तो आर दे रखा है बेटा, और ये दे रखा है आपका ए, रेडियस ऑफ द रिंग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तीसरी चीज क्या बचती है, ये कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो बेस यानी आर अपॉन हाइपोटनस। जरा अगर देखें, हाइपोटनस हम पहले ही निकाल चुके हैं, एपी की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हाइपोटनस आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं, तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, सिग्मा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर, है ना, ये देखते हैं डी क्यू ओवर ए पी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है बेटा। हमने डीई की वैल्यू लिख ली इसमें, है ना, बाकी सब चीज हम केवल बाकी सब कुछ सेम है। अब एक एक करके सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ई इक्वल्स टू आ गया हमारा सिग्मा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की वैल्यू ये रही क्यू ओवर एल डी एल अपॉन ए पी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है ना। इसमें क्या है, ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ये रही आपके पास आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं बात समझ में बेटा? अब इसमें ना केवल जो डी एल है ना वो वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है। कोई पी पॉइंट पर रखा हुआ है तो आर भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है बेटा। और क्यू जो चार्ज लेंगे, टोटल चार्ज जो दे रखा है क्यू, वो भी कॉन्स्टेंट है, तो सारी चीज कॉन्स्टेंट है आपकी, ठीक है बेटा। एल लेंथ ऑफ द रिंग भी कॉन्स्टेंट है आपकी, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं, तो डीएल केवल आपका वेरिएबल है, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, सॉरी बाहर ले लेंगे बाकी सबको, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाला आर बचा आर, और सिग्मा में केवल पहुंच गया डी एल। नया ही बात समझ में? सिग्मा डी एल, डी सिग्मा डी एल का मतलब ये डी एल एलिमेंट अगर पूरी रिंग पर लेंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, तो टोटल लेंथ तो लेंथ ऑफ द रिंग के बराबर होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हियर सिग्मा डी एल इक्वल्स टू एल, सिग्मा डी एल इक्वल्स टू क्या हो गया एल, तो सिग्मा डी एल की वैल्यू रखेंगे एल, तो ई इक्वल्स टू आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन एल ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिग्मा डी एल की वैल्यू एल, एल से एल कट गया बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ई इक्वल्स टू बचा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चीज इसमें गड़बड़ हुई है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे, यानी इसकी पावर वन और इसकी पावर वन अपॉन टू, तो टोटल पावर आ जाएगी थ्री बाई टू,
कैलकुलेशन में देख लेना बेटा, जब इसको डीएल को बाहर ले रहे थे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये था और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और इसकी पावर 1, तो टोटल पावर हो गई 3/2, ये आ गया 3/2। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो एल से एल कट गया तो बचा हमारे पास क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास आ गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया इसका डेरिवेशन कि 1/4πε क्यू ओवर क्यू आर ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब केसेस पढ़ लेते हैं। केस वन हम पढ़ते हैं, केस वन। केस वन, केस वन में क्या है, इफ पॉइंट पी इज एट सेंटर ओ, कहां पर है, इट इज एट सेंटर ओ। अगर पी पॉइंट सेंटर ओ पर होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा। P पॉइंट अगर सेंटर O पे पहुंच जाएगा तो R की वैल्यू जीरो हो गई। जरा इधर R की वैल्यू जीरो रख कर देगा, जैसे ही R जीरो रखोगे ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इफ R इक्वल्स टू जीरो तो E इक्वल्स टू क्या आ रहा है, जीरो। तो हम कह सकते हैं एट द सेंटर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो। अगर ये P पॉइंट ये रहा है इस पर, यानी कि जो आपकी रिंग है, रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, जीरो होगी बेटा। ठीक है, केस टू लेते हैं। क्या लेते हैं हम, केस टू। केस टू हम क्या लेंगे, केस टू लेंगे इफ ए यानी रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, तो क्या होगा, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है बेटा, अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो देखेंगे क्या होता, पहले पूरा लिख लेते हैं। E इक्वल्स टू था हमारा 1/4πε0 क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करना है हमें, क्योंकि A इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R है, तो हमें ए स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर, वी गेट क्या बचा हमारे पास, देखते जाओ, बहुत इजी है काफी, 4πε0 क्यू ओवर ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, आर यहां पर रही है, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ई इक्वल्स टू आ गया 1/4πε0 क्यू आर, 2 से 2 कटा तो आर की पावर रह गई 3, इसको भी सॉल्व कर देंगे, इक्वल्स टू हो गया 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। यानी कि अगर एडियस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन ना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, तब क्या होगा, जो रिंग होगी वो कैसा बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। क्यों, देखो ये वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, दिस फॉर्मूला इज फॉर द पॉइंट चार्ज। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो कहने का मतलब क्या है, जब ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर होगा, कहने का मतलब द रेडियस ऑफ द रिंग इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, देन द रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो क्या होगा, रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। नहीं आई बात समझ में, ये दोनों चीज कॉन्सेप्चुअल में पूछी जा सकती हैं, दोनों चीज कि सेंटर ऑफ द रिंग पर कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या अगर वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द रिंग, देन इट विल बिहेव लाइक, वो पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्चुअल पर ज्यादा जोर देना है। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको जो है समझ आया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, और इसको आप लिखिए, इसके नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और डायग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है बेटा, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, है ना, ज़रूरी है, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए,
ठीक है बेटा, इस टाइम को यूटिलाइज करना है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।